हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं वैभव दुबे और यह है आपका प्यारा सा चैनल एम्फी सेंटर। स्टूडेंट, जैसा कि कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्लास 11th की फिजिक्स को स्टार्ट करने वाले हैं, तो क्लास 11th की फिजिक्स की ये पहली क्लास है जिसमें हम लोग चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है मात्रक और मापन पढ़ने वाले हैं। ये पहला वीडियो है। इस पहले वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे मापन के बारे में, मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट के बारे में, मात्रक क्या होता है, भौतिक राशियां क्या होती हैं, कितने प्रकार की होती हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मात्रकों की पद्धतियां, सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में हम इन सभी टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एकदम सरल भाषा में, सरल तरीके से हम आपको समझाएंगे ताकि आपके मन में कोई भी डाउट रह ही न जाए, ठीक है। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है या कुछ भी है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये है हमारा इंस्टाग्राम आईडी @mfcenter, ठीक है। यहाँ पे आप हमें फॉलो कर लीजिए और आप अपने डाउट हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये है हमारा टेलीग्राम चैनल @mfcenter। डेली का डेली जो भी पढ़ाया जाता है उसका पीडीएफ नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल @mfcenter पर प्रोवाइड कर दिया जाता है, तो आप घर बैठे आसानी से नोट्स भी बना सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और हमारा जो पहला टॉपिक है, आज का जो पहला टॉपिक है मेजरमेंट, मापन, उसको समझते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान तरीके से हम आपको मापन समझाएंगे, एकदम आसान डेफिनेशन बताएंगे, कोई भी डाउट आपके मन में रह ही नहीं जाएगा, ठीक। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मापन क्या होता है, मेजरमेंट, मापन के बारे में हम आपको बताएं। अगर परिभाषा दें मापन की, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखें, तो मापन का मतलब होता है मापना। मापन का मतलब क्या होता है? मापना। मापन वह प्रक्रिया है, पहले डिफिनिशन लिख लेते हैं उसके बाद आपको समझाते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। मात्रक क्या है? मात्रक वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करती हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है, ठीक है। अब ध्यान से आप समझिएगा, एग्जाम्पल हम आपको बताएंगे, आसानी से आप समझ पाएंगे। हमने कहा हमारे पास ये ए बी लंबाई है, ठीक है। इस ए बी लंबाई को आप हमें माप के बताइए इसका लेंथ कितना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, कुछ मानक लेंगे। जैसे मानक क्या मान सकते हैं? हो सकता है आप मीटर स्केल ले ले, एक मीटर स्केल आप, हो सकता है फिट का स्केल ले ले। अगर मीटर स्केल आपने लिया है, मीटर स्केल मान लीजिए लिया है, तो मीटर स्केल से इसको नापेंगे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, छह बार आएगा तो आप इसे कहेंगे ये 6 मीटर है। फिट का स्केल अगर लेते हैं, मतलब एक फिट वाला मानक आपने ले लिया है, तो उस एक फिट के लेंथ से मापेंगे तो एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, छह बार, अगर छह बार आएगा उस स्केल से तो आप कहेंगे इसकी लेंथ 6 फिट है। तो जो आपने मानक लिया है, चाहे मीटर स्केल ले ले,
उस मीटर स्केल से मापेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, दस बार आएगा तो आप कहेंगे 10 मीटर है। ठीक है, तो जो आपने मानक लिया है उसी मानक के रूप में इस भौतिक राशि को व्यक्त कर दीजिए, उसी को बोला जाएगा मापन। ठीक है, जैसे एक और एग्जांपल समझ, जैसे इस मात्रक की बात करें तो ये हमने मानक मान लिया है कोई, ठीक है, इसको आप मीटर भी कह सकते हैं, फिट स्केल भी कह सकते हैं। इस मानक से हमने इस एबी को माप दिया, एबी को मापा तो कितनी बार आया, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो एबी की जो लंबाई आ गई, एबी की जो लंबाई आ गई, ठीक है, एबी की जो लंबाई आ गई उसको हम लोग बोलेंगे 6 मात्रक है। कितना है, 6 मात्रक। अगर ये मीटर स्केल होगा तो इसको कहेंगे ये 6 मीटर है, अगर ये फिट का स्केल रहा होगा तो आप इसको कहेंगे ये 6 फिट है। ठीक है ना, तो ये जो प्रक्रिया है, ये जो प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को बोला जाता है मापन। यही तो हमने कहा कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि, जैसे यहां दी हुई राशि कौन है, एबी, एबी इस मानक राशि का कितनी गुना है, कितने गुना है, 6 गुना है। तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि इस मानक राशि का कितने गुना है। एक और एग्जांपल से हम आपको समझाते हैं ताकि आप बेटर तरीके से समझ पाए। जैसे एक बर्तन में ये दूध रखा हुआ है, ठीक है, बर्तन में क्या रखा हुआ है, दूध रखा हुआ है, इस दूध को आपको मापना है। तो दूध मापने के लिए सबसे पहले आप एक मानक स्केल लेंगे, मानक लेंगे। मानक क्या हो सकता है, जैसे आपने एक बर्तन ले लिया, बोला कि इस बर्तन में 1 लीटर दूध आता है, ठीक है, इस दूध को मापना है। सबसे पहले आपका काम क्या होगा, एक मानक लेंगे, 1 लीटर वाला, आधा लीटर वाला, 1 पाव वाला, 2 लीटर वाला, 5 लीटर वाला, बिना मानक के तो आप माप ही नहीं सकते। तो सबसे पहला काम आपका क्या है, ये मानक लेना कि ये बर्तन है, इस बर्तन में 1 लीटर दूध आता है। अब आप क्या करेंगे, इस मानक से इसको मापना स्टार्ट करेंगे, ठीक है, इसका दूध इसमें डालेंगे, एक बार तो बोलेंगे 1 लीटर, फिर डाले 2 बार 2 लीटर, फिर डाले 3 बार 3 लीटर, ऐसे डालते डालते आपको पता चला कि 5 बार हमने इसमें दूध डाला तो ये पूरा दूध खत्म हो गया। इस बर्तन में 5 बार हमने नापा, इस बर्तन से इस दूध को 5 बार हमने नापा तो ये दूध क्या हो गया, खत्म हो गया। तो आप कहेंगे दूध कितना है, तो हम कहेंगे दूध है 5 लीटर। क्यों लीटर बोला, क्योंकि ये जो आपने मानक मान के रखा था ये 1 लीटर था, ये जो मानक आपने मान के रखा था ये कितना था, 1 लीटर था, इससे ये 5 गुना है, मतलब 5 बार मापने पर ये दूध हो गया खत्म। तो ये 5 गुना है, इसलिए हमने बोल दिया कि ये दूध कितना है, 5 लीटर है। ठीक है, तो मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि ये दी हुई राशि इसका कितना गुना है, तो कितना गुना है, 5 गुना है। ये दी हुई राशि इसका कितना गुना है, 6 गुना है। तो इस प्रक्रिया का नाम दिया जाता है मापन, मेजरमेंट। ठीक है, अब देखिए कोई भी भौतिक राशि को आप मापते हैं, किसी भी भौतिक राशि को आपने मापा तो भौतिक राशि को मापने के बाद आपने क्या लिखा, 5 लीटर, या फिर आपने लिखा होगा 6 मीटर, या फिर आपने लिखा होगा 6 फुट। तो कोई भी भौतिक राशि जब आप मापते हैं जिसमें हमने लिखा 6 मीटर या फिर हमने लिखा 6 लीटर, ठीक है, तो इसकी दो पार्ट हैं। पहला वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं आंकिक मान, पहला वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे आंकिक मान, और दूसरा वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे मात्रक। ठीक है, तो कोई भी भौतिक राशि जब आप मापेंगे तो उसको 2 भागों में व्यक्त किया जाता है, पहला है आंकिक मान, दूसरा है मात्रक। ठीक है, अब ध्यान से आप समझिएगा, यही बात हम लिखने जा रहे हैं कि किसी भी, कोई भी मापी या तौली गई भौतिक राशि को, कोई भी मापी या तौली गई भौतिक राशि को, ठीक है, तौली गई भौतिक राशि को, भौतिक राशि को
दो भागों में व्यक्त किया जाता है, ठीक है, दो भागों में व्यक्त किया जाता है, दो भागों में व्यक्त किया जाता है। किसी भी मापी या तौली गई भौतिक राशि को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता है। वो कौन कौन से दो भाग हैं? पहला भाग कौन सा है? तो पहला भाग आप बोलेंगे आंकिक मान है। पहला भाग क्या है? आंकिक मान, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। कोई भी भौतिक राशि अगर आप मापेंगे तो उसके कितने पार्ट आएंगे? दो पार्ट, पहला आंकिक मान, दूसरा मात्रक। अब ध्यान से आप समझिएगा हम आपको क्या बताने जा रहे हैं। मापन समझ गए? मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। अब किसी राशि को हमने मापा, माप के हमने लिखा 6 मीटर है, 5 लीटर है, तो इस 6 लीटर में 6 क्या है आपका? आंकिक मान। लीटर क्या है आपका? मात्रक। 5 लीटर में 5 क्या है? आंकिक मान। लीटर क्या है आपका? मात्रक। तो कोई भी नापी या मापी या तौली गई भौतिक राशि को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक भाग क्या है? आंकिक मान। दूसरा भाग क्या है? मात्रक। एक भाग क्या है? आंकिक मान। दूसरा भाग क्या है? मात्रक। अब ध्यान से आप समझिएगा, हम मान लेते हैं मापी गई राशि कितनी है, मापी गई राशि कितनी है, मापी गई राशि कितनी है, हमने कहा मान लेते हैं मापी गई राशि 6 मीटर है, ठीक है। अब इस 6 मीटर को हम चेंज करते हैं, 6 मीटर को चेंज करेंगे सेंटीमीटर में, तो आप जानते हैं 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, इसलिए 6 मीटर में 600 सेंटीमीटर होगा। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, 6 मीटर में कितने? 600 सेंटीमीटर। यानी हमने मात्रक बदला। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 6 है इसको बोलेंगे आंकिक वैल्यू यानी कि n, ये मीटर जो है इसको बोलेंगे मात्रक यानी u, ये 600 क्या है? आंकिक वैल्यू यानी कि n, ये सेंटीमीटर क्या है? मात्रक है यानी कि u। ये पहला वाला है इसलिए हमने 1 1 कर दिया, ये दूसरा वाला है इसलिए 2 2 कर दिया। 6 मीटर एक हो गया, 600 सेंटीमीटर दूसरा हो गया। हमने क्या किया? मात्रक को चेंज कर दिया, मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में। मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में। क्या मात्रक बदलने से आंकिक मान बदला? मात्रक बदलने से आंकिक मान बदला? तो आप कहेंगे हाँ। मात्रक क्या था? मीटर। मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में। जैसे ही मीटर को हमने सेंटीमीटर में बदला, आंकिक मान भी क्या हो गया? बदल गया। अब आप बताइए, हमने यहां पे मात्रक को क्या किया है? छोटा की बड़ा। मात्रक को हमने क्या किया है? छोटा किया है। अरे 1 मीटर इतना बड़ा होता है, 1 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है, तो इतना बड़ा से इतना बड़ा कर दिया, यानी कि मात्रक को क्या किया है? छोटा किया है। मात्रक को हमने क्या किया है? छोटा किया है। मात्रक हमने कर दिया छोटा मीटर को सेंटीमीटर में, तो आंकिक मान पे क्या प्रभाव पड़ा? आंकिक मान 6 से 600 हो गया, 6 से 600 हो गया। मात्रक को तो छोटा किया लेकिन आंकिक मान क्या हो गया? बड़ा हो गया। वही समझिए, मात्रक को छोटा करने पर आंकिक मान क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, आंकिक मान बड़ा हो जाएगा, ठीक है ना। मात्रक को छोटा करने पर आंकिक मान बड़ा हो जाएगा। समझ पाए कि नहीं? इसी को हम लोग लिखने जा रहे हैं। क्या लिखेंगे? ध्यान से समझिएगा कि मात्रक जब भी आप बदलेंगे किसी भी भौतिक राशि का, मात्रक एक पद्धति से दूसरी पद्धति में जब बदलेंगे तो आंकिक मान भी क्या होगा? बदल जाएगा। हमने मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में, तो आंकिक मान बदला कि नहीं बदला? हाँ बदला। यदि मात्रक छोटा करते हैं तो आंकिक मान क्या हो जाता है? बड़ा हो जाता है। यानी मात्रक और आंकिक मान में व्युत्क्रमानुपाती उल्टा का रिलेशन है। मात्रक बड़ा करेंगे आंकिक मान छोटा होगा, आंकिक मान बड़ा करेंगे मात्रक क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है। तो इसी चीज को हम लिखने जा रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, ठीक है, ध्यान से आप समझिएगा। हम क्या लिखने जा रहे हैं? किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को, किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को,
किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने पर आंकिक मान बदल जाता है। ठीक है, आंकिक मान क्या होता है? बदल जाता है। यदि मात्रक छोटा करते हैं, तो आंकिक मान क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है। बात समझ पाए कि नहीं? उदाहरण से हमने आपको समझा दिया है। हमने क्या किया? मात्रक चेंज किया, तो मात्रक चेंज किया तो आंकिक मान भी बदल गया, 600 मीटर हो गया। मात्रक को छोटा करेंगे तो आंकिक मान क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा। अर्थात क्या हो जाएगा? आंकिक मान ठीक है, आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कोई डाउट? कोई भी डाउट है तो आप बताइए। एकदम आसान है। मात्रक को जब हमने चेंज किया तो क्या हुआ? मात्रक को चेंज करने पर आंकिक मान बदल गया। मात्रक छोटा किया तो आंकिक मान बड़ा हो गया। ठीक है, यानी आंकिक मान मात्रक के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा है। अब हम कह रहे हैं, ध्यान से आप समझिएगा, क्या कह रहे हैं ध्यान से समझिएगा। हमने 6 मीटर को 600 सेंटीमीटर में बदला, मीटर को किस में बदला? सेंटीमीटर में। तो क्या ये पूरा, इस पूरे में कोई अंतर है? अगर हम कहें 6 मीटर है या फिर हम कहें 600 सेंटीमीटर है, तो दोनों में कोई अंतर है? कोई अंतर नहीं है। लंबाई उतनी ही है, कम ज़्यादा तो नहीं हुई है? नहीं हुई है। अरे 6 मीटर और 600 सेंटीमीटर आपस में बराबर ही हैं, यानी मात्रक बदलने की प्रक्रिया में, मात्रक बदलने की प्रक्रिया में प्रतीक आंकिक मान व उसके संगत मात्रक का गुणनफल, गुणनफल सदैव बराबर होता है। कोई दिक्कत? सदैव बराबर होता है। हमने कहा मात्रक बदलने की प्रक्रिया में प्रत्येक आंकिक मान व उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है? बराबर होता है। यानी ये हमने मात्रक बदला तो आंकिक मान और मात्रक का गुणनफल हमेशा बराबर होता है, यानी N1 U1 हमेशा बराबर होगा N2 U2 के। यानी हम कह रहे हैं कि N1 U1 बराबर होगा N2 U2 के। ठीक है, N1 U1 बराबर होगा N2 U2 के। ठीक है, कोई डाउट? N1 U1 बराबर हो गया किसके? N2 U2 के। ठीक है, ये आपका मापन के बारे में है। ठीक है, मापन क्या है समझ गए? सबसे पहले हमने आपको मापन बताया। मापन क्या होता है? वह प्रक्रिया जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। कोई भी मापी या तौली गई भौतिक राशि को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक उसका आंकिक मान, दूसरा मात्रक। जैसे हमने मापा तो मापने के बाद लिखा 6 मीटर या 5 लीटर, तो 6 क्या है? आंकिक मान, और लीटर या मीटर क्या है? उसका मात्रक है। ठीक है ना,
फिर हमने कहा कि किसी भी भौतिक राशि की मात्रक को अगर एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं तो आंकिक मान भी बदल जाता है, यदि मात्रक छोटा करते हैं तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है। लेकिन मात्रक बदलने की प्रक्रिया में प्रतीक आंकिक मान और उसके संगत मात्रक का जो गुणनफल होता है वो बराबर होता है, ठीक है। तो ये मापन है। अब मापन में हम आगे बढ़ते हैं मात्रक के बारे में। ये मात्रक क्या है, मात्रक क्या होता है, यूनिट क्या होती है। आंकिक मान तो जान गए जो कितने गुना है उसी को आंकिक मान बोलेंगे। ये मात्रक क्या है, मात्रक क्या है, हमने आपको बताया कि जब किसी राशि को मापा जाता है, जब किसी भी राशि को मापा जाता है तो मापने से पहले एक मानक माना जाता है कि ये एक मीटर का है या फिर ये एक लीटर का है, और इसी मानक के अनुरूप उसको मापते हैं। अगर इसी से मापने पर ये इसका 5 गुना है तो आप इसको बोल दिए 5 लीटर है, इससे मापने पर 6 गुना था तो आपने बोल दिया 6 लीटर है। तो ये जो मानक आपने मान के रखा हुआ है, ये जो मानक माने हैं, ये जो लेंथ है कि 1 मीटर इतना होता है, इसमें जो दूध आएगा वो 1 लीटर होगा, ये जो मानक आपने मान के रखा हुआ है इसी मानक को बोला जाता है मात्रक, ठीक है। यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, ठीक है, किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए, मापने के लिए लिए गए मानक को ही मापने के लिए, मापने के लिए लिए गए मानक को ही, लिए गए मानक को ही मात्रक कहते हैं, लिए गए मानक को ही मात्रक कहते हैं, ठीक है। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए लिए गए मानक को ही मात्रक कहते हैं। जो आपने मानक लिया है उसी मानक को क्या बोलेंगे, मात्रक। अब एक यहां पे नया टर्म आपको देखने को मिल रहा है, भौतिक राशि। भौतिक राशि क्या होती है, चलिए भौतिक राशि के बारे में भी समझ लेते हैं, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियां। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। भौतिक राशियां क्वांटिटीज, ठीक है, भौतिक राशियां। हमने आपको बताया मापन, मापन वह प्रक्रिया है जिसमें कोई जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। मात्रक क्या है, मात्रक जो मानक मान के रखते हैं उसी को मात्रक बोलते हैं। ये भौतिक राशि क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियां, वे राशियां जिनको मापा जा सके। अभी मापन के बारे में पढ़ रहे थे, मापना संभव हुआ, वे राशियां जिनको मापा जा सके उन्हें ही भौतिक राशियां कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, उनका संबंध फिजिक्स से होना चाहिए, उनका संबंध फिजिक्स से होना चाहिए। जिसको हम माप नहीं सकते वो फिजिकल क्वांटिटी होती ही नहीं है। जिन राशियों को नहीं मापा जा सकता वे भौतिक राशियां नहीं होती। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनको मापा जा सके और जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती है। ध्यान से देखिए डिफिनीशन हम लोग लिख रहे हैं, कहेंगे कि वे राशियां जिनको मापा जा सके, ठीक है, तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके। फिजिक्स के जो नियम्स हैं, जो रूल्स हैं, भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, नियमों को व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाता है, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है, मूल राशियां कहलाती हैं, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना, भौतिक राशियां कहलाती हैं। कोई डाउट किसी को,
भौतिक राशियां कहलाती हैं। भौतिक राशियां क्या है? वे राशियां जिनको मापा जा सके तथा जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती हैं। यह दो प्रकार की होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएंगे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपको बताएंगे। यह दो प्रकार की होती है। पहला जो प्रकार है वह है मूल राशियां। क्लास नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा मूल राशियां, ठीक है, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटी। दूसरा है हमारे पास व्युत्पन्न राशियां, डिराइव्ड क्वांटिटी। दो प्रकार की होती है भौतिक राशियां। पहला जो प्रकार है हमने आपको बता दिया, पहला प्रकार कौन सा है? मूल राशियां। दूसरा प्रकार कौन सा है? व्युत्पन्न राशियां। भौतिक राशियां क्या है? जिनको मापा जा सके, जिनके पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं। दो प्रकार है, एक मूल राशियां, एक व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां फंडामेंटल, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हो, मूल राशियां कहलाती हैं। और जो व्युत्पन्न राशियां हैं वो मूल राशियों पर निर्भर करती है। ये मूल राशियां किसी भी राशियों पर निर्भर नहीं करती है, पूर्णतः स्वतंत्र होती है। लेकिन व्युत्पन्न जो राशियां होती हैं ये निर्भर करती हैं किस पे? मूल राशियों पे निर्भर करती हैं। तो आपका जो नेक्स्ट हेडिंग बनेगा हम आपको समझाते हैं मूल राशियां, और मूल राशियों में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टर्म बताएंगे जो आपको जान के मजा आ जाएगा। मूल राशियां फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है, फंडामेंटल क्वांटिटी, मूल राशियां। हमने आपको डिफिनीशन में क्या बताया मूल राशियां? हमने कहा वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, ठीक है, पूर्णतः स्वतंत्र हो, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हो, अन्य किसी राशियों पर, जो पूर्णतः स्वतंत्र हो तथा अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हूँ, ठीक है, निर्भर न करती हूँ, जो अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हूँ, क्या कहलाता है? मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है। मूल राशियों के जो मात्रक होते हैं ना, उसे मूल मात्रक कहते हैं, ये भी आप जानते रहिए। मूल राशियों के मात्रक को, ठीक है, मूल मात्रक कहते हैं। मूल राशियों के मात्रक को क्या बोलेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। तो मूल राशियां क्या है, समझ गए? कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। मूल राशियां मतलब वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र हो, अन्य किसी राशियों पर निर्भर न करती हो, क्या कहलाता है? मूल राशियां, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे व्युत्पन्न राशियां यानी कि डिराइव्ड क्वांटिटी के बारे में। हमने आपको बताया वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हूँ, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। व्युत्पन्न राशियों किस पे निर्भर करती हैं? मूल राशियों पर। तो वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हूँ, क्या कहलाती हैं? व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ठीक है, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं, ओके। जैसे ध्यान से, और व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को हम लोग व्युत्पन्न मात्रक बोलते हैं, ये भी जानते रहिए। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को
मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहती हैं। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहती हैं, ठीक है। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। अब हम आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहे हैं। अगर हम आपसे कहें कि लंबाई व्युत्पन्न राशि है तो आप कहेंगे अरे सर ये क्या बता रहे हैं, लंबाई तो मूल राशि है। इसी चीज को हम आपको समझाने जा रहे हैं कि जो मूल राशियां होती हैं, जो मूल राशियां होती हैं वे स्वेच्छा से ली जाती हैं। ध्यान से समझिएगा, आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मूल राशियां स्वेच्छा से ली जा सकती हैं, ठीक है, ली जा सकती हैं। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छी चीज बताने जा रहे हैं कि मूल राशियों को स्वेच्छा से लिया जा सकता है, जैसे अगर हम कह दें यदि वेग और समय मूल राशि हो, वेग और समय हमने क्या ले लिया, मूल राशि हो, तब लंबाई बराबर क्या हो जाएगा, आप बताइए। लंबाई बराबर हो जाएगा आपका, ध्यान से, लंबाई, लेकिन लंबाई होता क्या है, हम जानते हैं दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। इसी के माध्यम से हम समझने का प्रयास करेंगे, दूरी मतलब किसके बारे में बात करेंगे, लंबाई, चाल मतलब यहां क्या है, वेग, और समय तो समय है। तब लंबाई क्या होगा, व्युत्पन्न राशि होगी। ये क्या बता रहे हैं सर, व्युत्पन्न राशि होगी। हमने क्या कहा, हमने कहा कि यदि वेग और समय को मूल राशि लिया जाए, वेग को क्या माना जाए, मूल राशि, समय को क्या माना जाए, मूल राशि, तो दूरी यानी लंबाई किस पे निर्भर करेगा, वेग और समय पर। दूरी किस पे निर्भर करेगा, वेग और समय पर। इनको हमने क्या मान रखा है, मूल राशि। हमने पहले ही लिखा है मूल राशियों को स्वेच्छा से लिया जा सकता है, इनको मूल राशि मान लिया तो ये क्या बन जाएंगे, व्युत्पन्न राशि, क्योंकि इसी पर, चाल और समय पर निर्भर कौन करेगा, लंबाई निर्भर करेगा, यानी दूरी निर्भर करेगा। तो ऐसा मन में भ्रांतियां मत बनाइए, अभी तो आगे पढ़ेंगे, जब एसआई यूनिट पढ़ेंगे तो वहां पे लंबाई को, द्रव्यमान को, समय को, ताप को, वैद्युत धारा, जो तीव्रता पदार्थ की मात्रा, इन सबको फंडामेंटल माना गया है। लेकिन अभी आप जानते रहिए कि जो मूल राशियां हैं वे स्वेच्छा से ली जा सकती हैं, आप किसी को भी मूल राशि मान सकते हैं, ठीक है ना। जैसे हमने वेग और समय को मूल राशि मान दिया तो लंबाई क्या बन गया, व्युत्पन्न राशि। क्यों, क्योंकि लंबाई किस पर निर्भर कर रहा है, चाल और समय पर, और निर्भर करने वाला कौन है, व्युत्पन्न राशि है। तो जो निर्भर करता है वो व्युत्पन्न राशि है, लंबाई किस पे निर्भर कर रहा है, चाल और समय पे, वेग और समय पे, और इसीलिए हम कह रहे हैं कि लंबाई व्युत्पन्न राशि है, ठीक है, क्योंकि ये निर्भर कर रहा है, होगी, ठीक है। तो आई होप आपको कोई भी डाउट अब नहीं रहा होगा, ठीक है। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि भाई ये मापन क्या होता है, हमने आपको बताया कि मापन वह प्रक्रिया है जिसमें हम यह ज्ञात करते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि का कितने गुना है। कोई भी मापी या तौली गई भौतिक राशि को दो भागों में व्यक्त किया जाता है, एक आंकिक मान, दूसरा मात्रक, ठीक है ना। फिर हमने आपको बताया कि किसी भी भौतिक राशि के मात्रक को एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलेंगे तो आंकिक मान बदल जाएगा, यदि मात्रक छोटा करते हैं तो आंकिक मान बड़ा हो जाता है, अर्थात आंकिक मान मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लेकिन मात्रक बदलने की प्रक्रिया में प्रत्येक आंकिक मान व उसके संगत मात्रक का गुणनफल क्या होता है, बराबर होता है। जैसे ये पूरा इस पूरे के क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। हमने बताया मात्रक क्या होता है, मात्रक किसे कहते हैं, तो मात्रक यानी किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए लिए गए मानक को ही क्या बोलेंगे, मात्रक कहते हैं, ठीक है। भौतिक राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जिनको मापा जा सके तथा जिनकी पदों में भौतिकी के नियमों को व्यक्त किया जा सके, भौतिक राशियां कहलाती हैं, ठीक है। दो प्रकार की होती है, एक मूल राशि, दूसरा व्युत्पन्न राशियां। मूल राशियां क्या होती है, वे राशियां जो पूर्णतः स्वतंत्र होती हैं, अन्य किसी राशियों पर निर्भर नहीं करती हैं, मूल राशियां कहलाती हैं, ठीक है ना। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं, वे राशियां जो मूल राशियों पर निर्भर करती हैं, व्युत्पन्न राशियां कहलाती हैं। मूल राशियों के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं, व्युत्पन्न राशि
राशियों के मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। लेकिन एक नोट पॉइंट करके हमने जाना कि मूल राशियों को स्वेच्छा से लिया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। उदाहरण से हमने समझा कि यदि वेग और समय को मूल राशि कह दें तो लंबाई क्या बन जाएगा? व्युत्पन्न राशि। लेकिन अभी तक आपने पढ़ा था कि सात मूल राशियां होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, वैद्युत धारा, ज्योतिवृत्त, पदार्थ की मात्रा। वो आगे है, जब 1971 ईस्वी में नाप तौल समिति की, अंतर्राष्ट्रीय समिति की बैठक हुई, वहां पे इनको डाला गया कि ये सात मूल मात्रक हैं और दो पूरक मात्रक हैं। वो आगे समझेंगे, लेकिन अभी हम जानेंगे कि मूल राशियों को स्वतंत्रता से लिया जा सकता है, स्वेच्छा से लिया जा सकता है। ठीक है, तो आई होप ये सारे टॉपिक्स आपके समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा जो आपका एक टॉपिक छूट रहा है आज की वीडियो में, जो मैंने आपको बताने के लिए कहा था कि मात्रकों की पद्धतियां, वो हम लोग कल देख लेंगे। कुछ कारणों से मुझे जाना है, इसलिए आज की वीडियो यहीं पे स्थगित करेंगे। ठीक है, मात्रकों की पद्धतियां जिसमें हम लोग CGS पद्धति, MKS पद्धति, FPS पद्धति, SI मात्रक के बारे में पढ़ेंगे, उन सबको डिटेल में समझेंगे, अच्छे समझेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो आई होप आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, आज की इस वीडियो से आपने सीखा होगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कमेंट है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं, तो ये हमारा इंस्टाग्राम ID, यहाँ पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आज जो भी पढ़ाया गया है उसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल @MFCenter पर मिल जाएगा, वहाँ पर जा करके आप लोग आसानी से नोट्स बना सकते हैं डाउनलोड करके। ठीक है, तो कल मिलेंगे, मात्रकों की पद्धतियों को आसानी से समझेंगे, कोई भी डाउट आपको नहीं होगा। मिलेंगे कल, तब तक बेस्ट ऑफ लक।